बेतवा नदी परिसर राजघाट के कर्मचारियों में 8 माह से वेतन ना मिलने पर मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। सरकार से नाराज कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश कैनाल नहर का पानी रोका। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो वो और भी उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर संयुक्त रूप से चलने वाली एशिया की 7वें नंबर की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। इसी परियोजना के कर्मचारियों में 8 माह से वेतन न मिलने पर काफी आक्रोश दिखा। वर्क चार्ज कर्मचारी संघ राजघाट, बांध परियोजना कर्मचारी संघ एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ द्वारा राजघाट पर उग्र प्रदर्शन किया गया। परियोजना में लगभग 350 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनको लगभग 8 माह से वेतन नहीं मिला है, जिस कारण कर्मचारी की पारिवारिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। विरोध कर रहे कर्मचारी द्वारा मध्य प्रदेश में संचालित नहर को बंद कर दिया गया व अपनी समस्याएं आला अधिकारियों के सामने रखी गई। कर्मचारियों ने कहा कि अगर इसके बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो और अधिक उग्र रूप धारण करके पावर हाउस एवं पेयजल आपूर्ति को बाधित किया जाएगा। कर्मचारी नहीं है जी, कई जिलों के कर्मचारी हैं जो जून 80 से यानी विगत यानी 1980 से यहाँ कार्यरत हैं। उन कर्मचारियों को विगत 8 माह से वेतन नहीं मिला है। हमारे जो रिटायरमेंट हो गए हैं कर्मचारी, उनके भी क्लेम पड़े हुए हैं कि 1.5 साल हो गई है, जबकि बोर्ड में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। कर्मचारियों को अपना उसी से खर्चा और परिवार चलाना है, लेकिन विगत 6 माह से तो इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और 1.5-2 साल से कर्मचारियों को जो रिटायर हो गए उनको कोई पैसा नहीं मिला है। ड्यू है और हर साल वो समय से पैसा नहीं देते, इसलिए हर साल की स्थिति 2014 से जो बनी है। आदमियों को, कर्मचारियों को 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश शासन में हमने वहां तक मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई, हम लोग एचईएस साहब से मिले हैं, वहां बजट ही नहीं रखते हैं। अगर 22 करोड़ देना है तो उसमें से वो 10 करोड़ सैंक्शन करते, बाद में कहते हमारे पास बजट नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी डिमांड ये है, नहर बंद रहेगी। नहर जब जो सार राज्य सरकार जब पैसा देगी प्रॉपर तरीके से तो उन्हें पानी देंगे, अगर पैसा नहीं देगी जो राज्य सरकार तो उसे पानी बिल्कुल नहीं देंगे। ये हम दिन रात मेहनत करके बरसात में पूरी रात जा करके हम कर्मचारी बांध का पूरा पानी एकत्रित करते हैं और लाभ लेने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन उसका पैसा उसके बदले में कर्मचारियों को देने के लिए इनके पास समय नहीं है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारे कोई सरकार से विद्रोह नहीं है, लेकिन डिमांड इतनी है कि हमें समय से हर महीने वेतन दें और वो लाभ लें। अगर वेतन नहीं देंगे तो पानी की एक बूंद नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, इतना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन की बात है, उत्तर प्रदेश शासन समय से अपना पैसा दे रही है। पिछला जरूर उनका 66 करोड़ बकाया है और अभी वर्तमान में पिछले 10 सालों से वो अपना समय से पैसा दे रहे हैं, इसलिए उनकी हमारे साथ सहानुभूति है और हमारी उनके साथ सहानुभूति है। जो हमें वेतन के लिए पैसा देंगे हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे मध्य प्रदेश शासन हो चाहे उत्तर प्रदेश, लेकिन ये निर्णय हम लोगों का कि अगर वेतन नहीं तो किसी को पानी भी नहीं। अभी हम नहरें बंद करेंगे, पावर हाउस बंद करेंगे सेकंड चरण में, उसके बाद इंटक बेल पेयजल आपूर्ति भी बाधित कर दी जाएगी। आश्वासन दिया है लिखित में कि 15 करोड़ रुपए की फाइल स्वीकृत हो चुकी है और 15 दिन के अंदर 15 करोड़ रुपए आ जाएगा। आपकी मांग किससे, यूपी सरकार से, एमपी सरकार? यूपी और एमपी दोनों से। कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन व मध्य प्रदेश प्रशासन मौके पर पहुंचा। वहीं राजघाट बोर्ड बेतवा नदी परिषद के आला अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों से वार्तालाप की और ये आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। राजघाट से चंद्रवीर सिंह यादव की रिपोर्ट। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी विवाह बर्थडे पार्टी किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड मऊरानीपुर। ऐसा स्वाद और कहां जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट जहां कम दाम में मिलता है 5-स्टार होटल वाला स्वाद। तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद, शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड मऊरानीपुर। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर मऊरानीपुर झांसी।
अरे यार जो सुसरता चिरांद फैला रहे हो तुम, और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे हैं। अरे तुम भुइया कर रहे हो सफल, तुम कान खोल के सुने तो कौन हुए, ऐसी बेटी पुट्टी नहीं चाहिए, इतने पे चाहिए है भैया घरों ला वॉल पुट्टी और पीओपी जो रखे आपके घर को सालों साल नया।